विवादित थां ते नींह पुट्टण दा काम शुरू कीता तां दलित भाईचारे दे लोकां ने विरोध कर दिता। स्थिति नूं देखदे होए मौके ते जिला प्रशासन ते पुलिस फोर्स पुजी। प्रशासनिक अधिकारियों नूं पहलां तां दोनों धिरां नूं समझाउण दी कोशिश कीती, परंतु दलित भाईचारे की मंग सी कि वह डिस्पेंसरी लई जगह छड्डण लई तैयार हन, पर नाल ही कम्यूनिटी सेंटर की उसारी भी की जाए। जिस ते दोवें धिरां की सहमति नहीं बनी तां विरोध कर दलित भाईचारे के लोगों नूं पुलिस ने गुरद्वारा साहब विच कथित तौर पर बंद कर दिता। रखिया करो गुसाई मेरे, रखिया करो गुसाई मेरे, रखिया करो गुसाई मेरे, रखिया करो गुसाई मेरे। मैं नाम तेरा आधार। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। प्यारा सिंह, मैं गुरद्वारे का मीत प्रधान हाँ जी। गुरद्वारा साहब के सारे धक्के कल साडा बाथरूम भी ढाता जी, साढ़े गेट मूहरे न्यू पर दी जी, साड़ी पुली ढाती, धक्के कंध कर रहे हैं। साढ़े जिन्हें बंदे थे मूहरे आने वाले जी, उन्होंने अंदर बंद करके कुंडा लाता पुलिस ने, सानू बाहर नहीं निकल दिता जी। साढ़े नाल इन्ना धक्का हो रहा, नेर पै गया साढ़े भाला का जी। असी तो किधर जाइए, असी जड़े फुजड़े आए थे जी पाकिस्तान तो, साढ़े नाल इत्थे ही धक्का होया। सन 47 का गुरद्वारा जी, सन 47 जी धर्मशाला थी जी हरिजन की। इस तरह सब कुछ पहला ही बनया हुआ जी, इन्होंने ममूद खत्म कर दिता जी धर्मशाला का, गेट का भी जी, साढ़े दरवाजे के न्यू पर दी जी धक्के, साड़ी 6 फुट जगह गुरद्वारा साहब रस्ते जी रोक ली धक्के जी। सानू पुलिस ने अंदर बंद करके कुंडा ला के जी न्यू पटाती मशीन ते करैन लिया के जी। दूजी धिर दे अमरीक सिंह का कहना है कि पुरानी इमारत असुरक्षित हो चुकी है, इसलिए प्रशासन की निगरानी विच पिंड वासियों की सहमति नाल हस्पताल बनाया जा रहा है। मसला यह है जी, असी पहला इत्थे स्कूल सी 47 तो लैके, जदों स्कूल दे विच बच्चे असी आप पढ़े हाँ, बड़े सारे पढ़ते रहे हैं जी। जदों फिर स्कूल उधर बन गया जी, स्कूल उत्थे चले गया, इत्थे फिर डिस्पेंसरी आ। 27 साल हो गए डिस्पेंसरी, तुसीं हर एक को पता कर सकते जी 5 बंदियां तो बगैर भी इतने। अच्छा, असी ये बिल्डिंग देखो जी, वो गार्डर देखो भी किवें, मतलब ये बिल्डिंग गौरमेंट ने ढाई भी इतने कोई कल नुकसान हो सकता है। इन्होंने महाराज का सूप लिया के धरता कब्जा करने के बारे है जी। ये असी चाहते हाँ भी पिंड हस्पताल बने, अज जी लोड़ है। असी इन्होंने कहा भी तुम जंज घर कहते हो, तुम उधर जगह है, असी तुम जंज घर भी पा के देंगे, पर इतने जी जगह सेंटर के आँगी है, हर एक बंद फायदा होगा। गड्डिया इतने खड़ जाए ने भी, असी ये पैसा ला के एन आर आई ने लाना। अमरीक सिंह जी, उन्होंने वालों दोष लाया जा रहा है कि राजनीतिक दबा दे तुसी पा के अपनी जरा कि कब्जा करना दे साइड दे वध वध। नहीं नहीं, तुसी मेरे मैं फलोज फलोज हो गई साहब जी। मेरा यह पिंड है, जद्दी पिंड है मेरी, अजे भी कोठी इतने लोग कहते भी इतों का नहीं, अजय मेरा घर है, जाकर मेरे नाल देख लो। मैं ये चाहना भी अज जी लोड़ है बंदियां नूं, हस्पताल इन्हां लोकां नूं फायदा हो। नैब तहसीलदार गुरमीत का कहना है कि ये नगर कौंसल की जगह है, जिस ते पिंड वासियां दी मंग ते डिस्पेंसरी बनाई जा रही है, पर कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। इस विच कोई भी सियासी दबाव नहीं है, ये म्युनिसिपल कमेटी की मालकी है, म्युनिसिपलिटी का प्लाट है, ये उत्ते डिस्पेंसरी बन जा रही है, ये मसला और कोई मसला नहीं। डिस्पेंसरी बन रही की बन रहे हैं जी, कि मंग तो बना रहे जी, कि मंग ते पिंड वाले की मंग से बन रही है, राजनीतिक दबाव है। नहीं नहीं, कोई राजनीतिक दबाव नहीं, कुछ नहीं है, ये तो रूटीन के काम ने उ हो रहा है। कि कौन कौन करवा रहे जी, की डिस्पेंसरी बनेगी, किन्ने हस्पताल नहीं, पिंड की एक डिस्पेंसरी बननी है अपनी, बस छोटा जरा हेल्थ सेंटर होंगे। अकाली दल के हलका इंचार्ज दीदार सिंह पट्टी ने दोष लगाया कि प्रशासन वालों राजनीतिक दबाव हेठ दलित भाईचारे के लोगों नाल धक्का करना निंदणयोग है।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਚਲੋ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਿਆ ਔਰ ਬੰਨ ਵੰਡ ਕਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਵਰਤਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਐ ਬਾਰ ਸੈਚਰਡੇ ਆ, ਛੁੱਟੀ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਧ ਕਰਨੀ ਆ, ਕੋਈ ਛੱਤ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਬਾਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਉਹ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ 20 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ NII ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 5-4 ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਥਾਂ ਹਵਾ ਹਾਰੇ ਬਣਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਂ, ਉਰੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਬਹੁਤ ਨਿਯੰਤਰਣਯੋਗ ਆ।